कोई लड़ाई बिना कमांडर के नहीं लड़ी जाती। अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं। सियासत में लड़ाई और मनाने की प्रक्रिया तो बड़ी पुरानी है, लेकिन इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि किसी तरह ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की वार के बाद राजभर ने भी अब पलटवार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि नसीहत देने का सिलसिला अब चार दीवारी के बाहर पहुंच गया है। हालांकि राजभर हमेशा अखिलेश यादव को नसीहत देते नजर आते हैं, ठीक उसी तरह राजभर के बयानों पर अखिलेश ने हाल ही में राजभर को अपने अंदाज में जवाब दिया था, लेकिन अब ये सिलसिला बढ़ गया है और एक बार फिर से ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को अपने अंदाज में ही फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। ओपी राजभर गुरुवार को गाजीपुर से लखनऊ जाते वक्त रुके, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत और इस बातचीत में एक बार फिर अखिलेश यादव का जिक्र हो गया। सुनिए क्या कहा ओपी राजभर ने। 12 दिन 300 फौज को लेकर के मैं आजमगढ़ में 12 दिन लगातार भाई इलेक्शन में था। कोई भी चुनाव बिना या कोई लड़ाई बिना कमांडर के नहीं लड़ी जाती। तो वहाँ हमने ऐसा महसूस किया कि जो चुनाव हम लोग हारे, यदि अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं हारते। कोई लड़ाई बिना कमांडर के नहीं लड़ी जाती। अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं लड़ी।